हे गाइस, तो फाइनली राजगढ़ से थोड़ी सी दूर पीछे रह गए हैं चूड़धार कुछ। तूने वीडियो बना दी यार। सही है, सही भाई है, का सही। प्रेशर बन रहा है भाई के लिए, रुके यहाँ पे। तो चूड़धार कुछ अब हमारा 50 किलोमीटर रह गया है। और ये देखिए पीछे व्यू, देखिए बड़ा व्यू, सही है। सोनो जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा व्यू जो है वो बहुत बहुत बढ़िया, रिफ्रेशिंग है चंडीगढ़ से तो यार, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग। सही है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कुछ देर बाद। गाइस ये देखिए नेचुरल फ्रूट्स, ये है किस चीज का पेड़। ओ भाई सोनो, अनार है ब्रो, कसम से। हाँ हाँ है, क्या ये देखूं? घर जाके देखेंगे। ब्यूटी है यार यहाँ पे लिटरली, जरूर आना जो भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, जरूर आना। सोनू क्या कहना चाहोगे जगह के बारे में? कहना तो ये चाहेंगे कि भाई जगह फेमस है, बहुत बढ़िया है। मतलब अगर बंदा शिमला जा रहा है तो उससे बेस्ट तो इस जगह की चीज़ है। सही बात है, सही बात है, सुन ली भाई की बात, सबने फॉलो करनी है। सब रोड पूरा टूटा पड़ा है, सुनो दिखा एक बार इनको कैसे निकाला जाएगा। देखी जाएगी। ताशिकाल जी, मैं तो अपना दादी जी हूँ, कौन है तुसी देखा जाए? जय भोलेनाथ। अच्छा ये मैंने देखा था वीडियो में ना, पूरा आगे तक ले गया कैमरे को ना, पूरा उठा दे और नीचे को दिखा, या बाहर ही लिया, बाहर ही निकाल ले पीछे से, ले ले चल 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 यार, बड़ा इजी होता है इसके काम करना सच में। तो पहुंच गए नौराधार मार्केट एरिया में, मार्केट एरिया में पहुंच गए नौराधार। चल सीधा, हाँ जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? खाई में गिराई है कभी गाड़ी? एक बार ट्राई तो किया था बट बस वैसा ही था। अच्छा सही है, चलो नौराधार पहुंच गए गाइस, थोड़ी देर में ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। यहां से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, थोड़ी देर में आते हैं यहां पे और आगे जाके हमारी कैंपसाइट। तो आ गए खाना खाने, अभी अंकल जी से बात हुई हमारी जो यहाँ के लोकल है, उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ जो ट्रैक है ना उसके दो रास्ते बन गए हैं। तो मैं कल सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो क्या है कि यहाँ पे दो ट्रैक्स हो गए हैं, अब एक 18 किलोमीटर का है और एक 13 किलोमीटर का। 13 किलोमीटर वाला बेटर हो चुका है क्योंकि वो सारा का सारा पूरा रॉक बेस्ड और पक्का हो चुका है कहने के लिए। और सही है, अभी देखते हैं जाके क्या करते हैं, उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय। पराठा सोनू। तो गाइस खाना काफ़ी अच्छा था, अंकल के होटल का नाम देख लो, होटल जो भी है मतलब अच्छा है, तुम देख लो यार।
नाम एक बार खुद देख लेना। अच्छा खाना काफ़ी टेस्टी था, खाना काफ़ी नॉर्मल रेट्स का था। हाँ। जैसे आपको टूरिस्ट प्लेसेस पे लगता है कि खाना एक्सपेंसिव होएगा, नहीं। हमने दो परांठे खाए और दो चाय पी। आई गेस इट्स द बेस्ट प्लेस टू विजिट, तो बाकी आपकी जो मर्जी। ओके चलो थोड़ी देर में ट्रैक स्टार्ट करते हैं, बैग्स वगैरह पैक कर ले, उसके ट्रैक स्टार्ट करते हैं। आगे अपनी कार पे मेरा राशन है ये, सोनू तो बांट दिया और सोनू ने चल चले। हर 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 महादेव, जय शंकर। ट्रैकिंग कर दी शुरू और अभी भी मैंड बज गई। बैग्स काफ़ी भारी हैं पर इसके साथ ही मज़ा आएगा। ओह चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। कैसा लग रहा बाबू जी? नजारे आ रहे हैं अभी से और बॉस सब चमकीला चमकीला है। गरारी थी वेट चक्के चढ़ने और शांत हो रही है गरारी। अब ये आ रहे हैं चढ़ाई चढ़ते हुए। थोड़ी चढ़ाई तो की इन्होंने, लगता है इनका बैग इन्होंने कुछ ज़्यादा ही भर लिया, उसमें खाने पीने का सामान लगता है, ऊपर खा पी के वहीं सब कुछ पूरा करके आएंगे। आठ सौ मीटर चढ़ाई के बाद हमारा ये हाल है। ट्रैकर बोलते हैं खुद को ये भाई, फिर भी ठीक है, मेरी ज़्यादा हालत बुरी है। गाइस तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, हमने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे ना जो पहले ज़मीन से कांच के टुकड़े निकल रहे हैं। एक मिनट में फोकस करके दिखाता हूँ, ये देखो कांच के टुकड़े ज़मीन से निकल रहे हैं। पहले हमें लग रहा था कि किसी ने फेंक वेक दिए होंगे, बॉटल वगैरह तोड़ दी होगी, बट नहीं, ये प्रॉपर पत्थर है और ये कांच है। सही है यार, मतलब ये कांच का पर्वत है। चलो और कुछ देखेगा तो दिखाऊंगा ज़रूर। पूछ लिया भैया से कितनी दूर आएगा? ऊपर तक वो तो आपकी स्पीड है ना भैया, हमारी बताओ अपने जैसे भी है या तो भी आप 5 घंटे मान के चलो। तो भाई लोग सरप्राइज ये है कि हम पिछले 3 घंटे से चल रहे हैं और अभी हम यहाँ पे लोकल पूछा तो बाबा जी से, तो वो कह रहे कि आपने अब तक 2 किलोमीटर का ट्रैक किया है। और काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि हमारे हिसाब से हम कम्प्लीट करने वाले थे। चलो हो जाएगा, जय भोलेनाथ हो जाएगा। बट फील बरकरार रहे। कौन सी भीड़ होती है भैया? ये गद्दी, सही है गद्दी। सोनू यू वांट गद्दी? ये देखो मैंने एक नया बंदा तैयार कर दिया व्लॉगिंग करने के लिए। ये देखो अलग ही धुन चढ़ी हुई है भाई को, ये देखो फोटोग्राफर। वो यार बहुत ज्यादा ही अच्छा एरिया है ये। हाय पहुंच गए बेस कैंप। हाँ फाइनली, उम्मीद नहीं थी, लग रहा था जंगल में कैंप करना पड़ेगा। बेस कैंप पहुंच गए। ये सेकंड है, अगला थर्ड है, फिर अगला थर्ड है क्या? अच्छा सेकंड कैंप पे आगे। क्या बात है भैया ने कर रखा इंतजाम और यहाँ पे है पूरा गरम सिस्टम। मैं क्या तैयार, दाल चावल तैयार, तो खाएंगे पर
भाई इससे अच्छा खाना नहीं मिल सकता यहाँ पे इस टाइम पे। नेचुरल लोग से सही बात है। तो भाई अब लगाने लग रहे हैं टेंट, शिवर है यहाँ पे, बट हम लेके आए अपना टेंट। हमें पता नहीं था कि बेस कैंप 2 पे हमें ऐसा इंतजाम मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, बेस कैंप 1 तो मिला नहीं, 2 मिल गया। 2 मिल गया। तो अब प्लान तो यही है कि अब टेंट में रुकेंगे रात को, और अगर लगी ठंड, झूठ के बोलो, बड़ा वाला टेंट इसके अंदर रात को भागेंगे, बट चलो जो लेके आए हैं वो तो इस्तेमाल करना ही है, तो सही है। चलो लगाते हैं टेंट। ये देखिए टेंट भाई, वो जितने बाहर मिल रहे हैं, देखो ये है हमारा सबसे बेस्ट सरप्राइज, डल्लब का गद्दा हम इस बैग में कैरी कर रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा वजन हो रहा था। अब ये देखिए है स्वैग। भाई से हमारा चूल्हा रेडी हो गया है, इस पे बनाएंगे रात को मैगी। हमसे ऐसा प्यार कभी कर ना सके जैसे तुम हमसे करते। देखो हमारे पीछे कैसे चल रहे हैं, सच बोलना चाहते हैं, इन गानों के पीछे अपने आंसू छुपा लेते हैं। सही बात। लेट नाइट कुकिंग, ये देखो पहाड़ों में, तुम्हें पता नहीं है, मैं वैसे इसीलिए बताऊँ, ऊपर इतने सही तारे हैं ना, क्या बात है क्या बात है। प्याज का तड़का, प्याज का तड़का साला रुला मुझे रहा। हाँ सोनू, वैसे आप सरवाइव कर सकते हैं? अब कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। मतलब कहते थे ना हम जो कहते थे कि पहाड़, मेरे हिसाब से मैन वर्सेस वाइल्ड भाई, वो इतना सामान नहीं कैरी करता ना। हाँ वो वही हेलीकॉप्टर में कोई शॉट ले लिए, हेलीकॉप्टर की जरूरत है, हेलीकॉप्टर करवा। क्या देसी मैन वर्सेस वाइल्ड। मैगी हो गया तैयार, लग रही है मस्त, और इन्होंने बनाई है। क्या बात है, चलो खा के देखते कैसी लग रही है। लेट गए टेंट में, तो ये देखो, दिखने का कुछ नहीं वैसे, पर सोनू कैसा एक्सपीरियंस है टेंट का? बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया सच में। हमारे पिछले वाले ट्रिप से तो बहुत लग रहा अच्छा, कैसी जगी बेखुदी, मजा आ गया। देखो कहां लेके जाने लगी भाई, उठ गए सुबह। अब देखते हैं बाहर का क्या माहौल है। क्या बात है जी, क्या बात है। भाई सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मौसम काफ़ी अच्छा है, जैसे आप देख ले रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में, और काफ़ी अच्छी नींद आई रात को, तो पता ही नहीं चला, जैकेट ने काफ़ी साथ दिया, टेंट ने काफ़ी साथ दिया। रात बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, रात को मैं उठ के सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, उठने की हिम्मत ही नहीं हुई, आलसी हूँ मैं। और बाकी सोनू भाई से पूछो कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया, टेंट का तो पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है घर में सो रहे थे, बहुत बढ़िया लगा। मगर मैगी के पैकेट कैरी कर लेते हैं, भूख लगी बना के खा लेंगे, है ना। तो भाई सामान हो गया पैक, और हम अब हम तैयारी कर रहे हैं। प्लान ये है
कि जो थोड़ा सामान है हम सिर्फ थोड़ा सामान लेके ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अभी 12 किलोमीटर ट्रैक अभी पड़ा हुआ है और ऊपर बर्फ भी पड़ चुकी है। तो अभी हम थोड़ा सा सामान सिर्फ कपड़े कैरी कर रहे हैं और बाकी सामान भैया के पास और एक बैग लेके चल रहे हैं। तो ठीक है निकलते हैं। निकल चुके आगे 12 किलोमीटर के ट्रैक पे, सोनू ने उठाया बैग, अब हम आधे दिन रस्ते पे बैग उठाएंगे। तो ठीक है मिलते हैं चलते हैं। ट्रैकिंग करते करते तो अब हालत हो ही गई खराब है, देख सकते हैं। ये विश्वास 100 किलोमीटर ट्रैक करके आया हूं अभी। ये रास्ता बहुत अच्छा है, बढ़िया मस्त, इस पे भी भाई हमें ना रास्ता भूल गया था, तो हमें ना गाइड मिला है, तो मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। ये हमारा गाइड, इसने हमें रास्ता दिखाया। लिटरली हम दूसरे रास्ते जाने लगे थे, पर हमारे पास दोबारा आया और सही रास्ते लेके जा रहे हैं हमें। हमें भौंका, हमें बताया, पहुँच गए। शादी कर लें क्या? भींदड़ी कैंट बनेगा तो मेरी चमचे ले गए हम नीचे से। तो भाई अब हमने क्या किया कि तीसरी शिवर पे ना हमारा दूसरा बैग भी छोड़ दिया, अब बिल्कुल खाली हाथ जा रहे हैं आगे की ट्रैक के लिए। भैया को बोल दिया यहीं रख लेते हैं, सिर्फ कपड़े और असेंशियल गुड्स ट्रैक कैरी कर लिए और बस बढ़िया, चलो करते हैं। चलो फाइनल मतलब लगा लो हम अभी आखिरी पौड़ी से चलते हैं, अब इसके बाद सीधा मूर्ति आएगी। और ये इंसान पता नहीं क्या खाता है, ये नहीं थकने मारता ब्रो। बर्फ हो गई है स्टार्ट, ये देखो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि बर्फ मिलेगी, बट चलो जैसी भोलेनाथ की इच्छा। क्या कहना चाहेंगे सोनू? मज़ा आ रहा है, यहाँ से बर्फ स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे बर्फ बढ़ती जा रही है और चलना होता जा रहा है मुश्किल। ऊपर से लेके नीचे तक कवर हैं बट हाथ अभी भी सुन रहे हैं, बाकी ये चीज़ तो सब कुछ भुला देती है। इसके लिए आए थे हम यहाँ पे नेचर। ट्रैक भी कर रहे हैं, टीचर ट्रैक भी कर लिया, रॉक ट्रैक भी कर लिया, मल्टी ट्रैक सब कर लिया। चलो ये देखो झरना है जम गया और ये नेचुरल छुरे। बहुत जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना बर्फ बढ़ती जा रही है और हमारी हालत बिगड़ती जा रही है मेरी। भाई मंदिर सामने दिख रहा है और हालात बहुत बुरे हो रखे हैं, पर कोई ना जाएंगे तो जाएंगे हर हर महादेव। पूरा रास्ता पथरीला हो गया, अब इस पर से चढ़ना पड़ेगा। पहुंच गए? क्या कहा था मैं, 30 मिनट लगेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई पहुंच गए मंदिर, बैंड बज गई पूरी। वो तो है ठीक बोला। ये देखिए